जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। आइए अब सुनते हैं पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी का महाप्रयाण। पूज्य श्री सेठ जी के प्रति पूज्य राधा बाबा के भावोद्गार। पूज्य बाबा ने प्रियतम काव्य में लिखा कि वैकुंठ नाम की नगरी थी, ज्ञानी थे एक वहाँ प्रियतम। राजा विदेह के सदृश भला, प्रेमी रघुकुल मणि के प्रियतम। आदर्श चरित्रों के वे थे, जय सीता राम तथा प्रियतम। नारायण नाम अधिक उनको प्रिय था, ऐसा लगता प्रियतम। जीवन में उनके छाया थी, उस तुलाधार की भी प्रियतम। वे अतिशय सरल दक्ष पर थे, जग के व्यवहारों में प्रियतम। देखा था उनको मैंने जब, आकाश चारिणी थी प्रियतम। होती थी सुनकर फुल्ल सदा, प्रवचन पवित्र उनका प्रियतम। श्री सेठ जी परम ज्ञानी थे और वे भावात्मक रूप से वैकुंठ अर्थात विष्णु लोक में नित्य निवास करते थे। भगवान विष्णु उनके उपास्य थे। वे भगवान विष्णु की उपासना के लिए प्रेरणा दिया करते थे। मिथिलापति श्री विदेह राज के समान वे परम विरक्त और परम तत्वज्ञ थे। उनका चरित्र आदर्श था। वे भगवान श्री राघवेंद्र के बड़े प्रेमी थे। उनको जय सीताराम और नारायण नाम बड़ा प्रिय था और वे इसी का कीर्तन करवाया करते थे। वैश्य कुल में उत्पन्न श्री सेठ जी के जीवन में परम भक्त तुलाधार के समान अति सरलता और अति दक्षता थी। जागतिक व्यवहार में वे बड़े पटु थे। जब मैं उनके सानिध्य में आया तब उनके आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनकर बड़ा प्रफुल्ल हो उठता था। पूज्य बाबा कहते हैं, पूज्य बाबा सन 1936 में श्री सेठ जी के संपर्क में आए। यद्यपि बाबा श्री सेठ जी के सगुण साकार उपासना संबंधित मान्यता से सहमत नहीं थे, परंतु वे मुग्ध थे श्री सेठ जी के निर्गुण निराकार तत्व संबंधित चिंतन मनन पर। बाबा के जीवन में श्रीमद् भगवद गीता का स्थान अति महत्वपूर्ण रहा और श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी के प्रवचनों में श्रीमद् भगवद गीता के गंभीर तत्वों का सहज रीति से सुंदर प्रतिपादन देखकर बाबा का अंतर प्रफुल्लता से भर जाता था। यही कारण था कि बाबा ने श्रीमद् भगवद गीता की विशद टीका को लिखवाने में श्री सेठ जी को अपना भरपूर सहयोग दिया। गीता प्रेस से प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता की विशद टीका गीता तत्व विवेचनी के नाम से प्रकाशित इस ग्रंथ में मूलतः पूज्य राधा बाबा ने अपने हाथ से लिखी है और इस ग्रंथ में भाव और विचार श्री सेठ जी के हैं। इस सारी टीका को मूलतः बाबा ने अपने हाथ से लिखी है और इस ग्रंथ में सारी टिप्पणी और सारा संशोधन श्री भाई जी के द्वारा किया हुआ है। इस विशद टीका को लिखने में लगभग 3 साल लग गए। इस 3 साल की अवधि में श्री सेठ जी के बाबा की कितनी सेवा संभाल की और कितना सम्मान दिया, इसकी सराहना करते हुए बाबा थकते नहीं थे। बाबा ने स्वयं एक स्थान पर अपनी लेखनी से लिखा है। बाबा कहते हैं, मैं तो श्री जयदयाल जी के चरणों की जूती बनकर भी उनका ऋण नहीं चुका सकता, क्योंकि 3 साल अपने पास रखकर उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं श्री भाई जी के पास रहने की योग्यता प्राप्त कर सकूं। प्रसंगानुरोध से पूर्व पृष्ठों में वर्णित 1-2 प्रसंगों की सांकेतिक आवृत्ति अवश्य लग रही है। श्री गीता जी की टीका के लेखन का कार्य
पूर्ण होने के बाद श्री सेठ जी की चाह थी कि बाबा सदा मेरे साथ रहें। श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को चारों दिशाओं में गुंजा देने के लिए यह चाह थी श्री सेठ जी की। परंतु भगवान श्री कृष्ण की योजना इससे अलग थी और भगवदीय योजना अनुसार बाबा नित्य संग का संकल्प लेकर पूज्य श्री भाई जी के साथ रहने लगे। इस तथ्य पर टिप्पणी करते हुए बाबा ने स्वयं लिखा है, मेरा श्री सेठ जी के साथ रहना नहीं हो पाया, मैं क्या करूं? मेरा मन भाई जी के प्रति ही अधिक खिंचता है, इसलिए उनके श्री सेठ जी के चरणों में सब प्रकार से न्योछावर होने की चाहना करने पर भी किसी खास विशेष पारमार्थिक कारण से श्री सेठ जी की बात नहीं मान सकता। वे श्री सेठ जी मुझे बहुत प्यारे हैं और मैं निसंकोच कह सकता हूँ कि उनके चरणों में भक्ति रखने वाले घनश्याम जी, राम सुखदास जी आदि के चरणों की रज को मैं हृदय से आदर करता हूँ। जितना आंतरिक लगाव बाबा का श्री सेठ जी के प्रति था, वैसा ही गहरा लगाव था श्री सेठ जी का बाबा के प्रति। भगवान श्री कृष्ण की भगवदीय योजना के अनुसार बाबा नित्य साथ का संकल्प लेकर भाई जी के साथ गीता वाटिका में रहने लगे। एक बार परिस्थिति ने अनचाहा मोड़ ले लिया। इसके स्थान पर यह कहना चाहिए कि मंथरा स्वभाव वाले एक व्यक्ति ने श्री सेठ जी और बाबा के बीच दरार डालने का कुप्रयास किया। उसको कुछ हद तक अपने कारनामों में सफलता भी मिल गई। उसने कुछ तथ्यों को भद्दे रूप से तोड़ मरोड़ कर और श्री सेठ जी के कथन को अन्यथा अर्थ लगा करके बातों को इस ढंग से प्रस्तुत किया कि परिस्थिति ने अत्यधिक विकृत रूप ले लिया। इसके फलस्वरूप बाबा के मन में यह विचार उठने लगा कि यदि श्री सेठ जी को गीता वाटिका में मेरा रहना उचित नहीं लग रहा है तो भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार से आज्ञा लेकर मुझे गोरखपुर से वृंदावन चले जाना चाहिए। ज्यों ही मलिन मनोवृत्ति वाले व्यक्ति के काले कारनामों की कलई खुली और उसके कुप्रयास का असली रूप सामने आया और ज्यों ही श्री सेठ जी को बिगड़ी परिस्थिति के यथार्थ स्वरूप की जानकारी मिली, वे गीता वाटिका आए और बाबा से कहने लगे, मैंने ये कब कहा कि स्वामी जी हम लोगों को छोड़कर चले जाएं? आपके चले जाने के लिए मैंने कभी कहा ही नहीं। इतना ही नहीं, इस बात से संबंधित कोई स्फूर्णा मेरे मन में कभी उदित हुई ही नहीं। मैं तो भगवान से यहाँ तक प्रार्थना करता हूँ कि यदि मेरे प्रसुप्त मन में इस प्रकार की कोई बात हो तो वे उसकी छाया को तुरंत मिटा दें। श्री सेठ जी के इस उद्गारों को सुनकर बाबा का मन निर्मल प्यार के प्रवाह में बह चला। यथार्थ सत्य के प्रखर सूर्य के सामने खल प्रयास का धुंध भला कब तक टिक पाता। अब गीता वाटिका के वातावरण में व्याप्त थी दैवीय भावों की भगवदीय सुरभि। श्री सेठ जी चाहते थे कि बाबा नित्य मेरे साथ रहें और बाबा नित्य श्री सेठ जी के साथ रहें, परंतु प्रकारांतर से साथ रहे भगवान श्री कृष्ण की भगवदीय योजना के अनुसार बाबा नित्य साथ रहे भाई जी के साथ और बाबूजी का नित्य संग बना रहा श्री सेठ जी के साथ। प्रकारांतर से बाबा श्री सेठ जी के सदा साथ रहे। श्री सेठ जी चाहते थे कि श्रीमद् भगवद गीता के भगवदीय संदेश के प्रचार प्रसार के लिए बाबा का सहयोग मिलता रहे और बाबा का सहयोग परोक्ष रूप से मिलता रहा। श्री सेठ जी के प्रवचनों में जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है उन सिद्धांतों के प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में सबके सामने उपस्थित था बाबा का वंदनीय सन्यासी जीवन। यह सर्वविदित है कि गीता प्रेस का आधार एवं प्राण है श्री सेठ जी का आध्यात्मिक जीवन। इस गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाली हिंदी पत्रिका कल्याण और अंग्रेजी पत्रिका कल्याण कल्पतरु के संपादन कार्य में तथा गीता प्रेस से मुद्रित होने वाले आर्ष ग्रंथ तथा विविध साहित्य के प्रकाशन कार्य में बाबा का सहयोग, वह सहयोग जो समाज के नज़रों से छिपे रहकर दिया गया है, उस सहयोग की जानकारी केवल कतिपय अंतरंग जनों को है। यथार्थ सत्य यह है कि भाई जी के माध्यम से जीवन के अंत तक
श्री सेठ जी का और बाबा का नित्य साथ और नित्य सहयोग बना रहा। सन 63 और 64 की अवधि में इन्हीं महान आध्यात्मिक विभूति श्री सेठ जी का स्वास्थ्य सतत कार्यपरायणता के कारण क्रमशः अधिकाधिक शिथिल होता चला गया। सन 1965 के आरंभ में ऐसा लगने लगा कि जीवन का अंतिम क्षण अब निकट से निकटतर होता चला जा रहा है। इन दिनों श्री सेठ जी बांकुड़ा नगर में थे। यदि शरीर का अवसान होना ही है तो वह माँ गंगा के तट पर हो। ऐसे विचार के उठते ही श्री सेठ जी बांकुड़ा से प्रस्थान करके 31 मार्च 1965 को स्वर्ग आश्रम स्थित गीता भवन पहुँच गए। अकस्मात भाई जी की गोरखपुर में यह समाचार मिला कि श्री सेठ जी के स्वास्थ्य की दशा चिंताजनक है। इस समाचार के मिलते ही भाई जी, बाबा और माँ जी गोरखपुर से वायुयान द्वारा रवाना होकर लखनऊ आए और फिर ट्रेन से चलकर 6 अप्रैल 1965 को स्वर्गाश्रम पहुँच गए। ज्यों ज्यों शरीर की चिंताजनित स्थिति का अप्रिय समाचार फैलने लगा, श्रद्धालु आत्मीयजनों की भीड़ गीता भवन में बढ़ने लगी। 15 अप्रैल को स्वास्थ्य ने खतरनाक मोड़ ले लिया। भाई जी तुरंत बाबा को साथ लेकर श्री सेठ जी के पास पहुंच गए। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज वहीं पर थे। बाबा लगातार 2 घंटे तक श्री सेठ जी के पास बैठे रहे और निरंतर नाड़ी देखते रहे। 15 अप्रैल और 16 अप्रैल का दिन अति कष्ट में बीता। इस भीषण कष्ट की स्थिति में भी नाम जप लगातार हो रहा था। अधरों का हिलना और अंगलियों की पोरों पर अंगूठे का फिरना तथ्य की साक्षी दे रहे थे। दर्शनार्थ आने वाले जनों के प्रणाम करते देख श्री सेठ जी बदले में सबको संकेत से राम राम कहते। 17 अप्रैल 1965 के अपराह्न काल में पार्थिव शरीर से हंस ने विदाई ली और उड़कर अपने देश चला गया। इस विदाई की बेला में बाबा श्री सेठ जी के समीप ही थे। उन्होंने देखा अद्वैत सिद्धांत का सूर्य अस्ताचल को चला गया, संतों से आध्यात्म ज्ञान की चर्चा करने वाला चला गया, साधकों को पथ बतलाने वाला सिद्ध संत चला गया, अभाव से ग्रस्त जनों का सच्चा अभिभावक चला गया, धार्मिक संस्था गीता प्रेस का महान संस्थापक चला गया और चल रही थी अश्रु जल की 2 धाराएं बाबा के दोनों कपोलों पर। बाबा के नैनों से अविरल अश्रु प्रवाह हो रहा था और वे उस पावन पार्थिव शरीर पर रह रह करके हाथ फेर रहे थे। शव यात्रा में बालक, वृद्ध, मालिक, नौकर, गृहस्थ, सन्यासी, मूर्ख, पंडित, छोटे बड़े सभी थे। ठीक वट वृक्ष के सामने और ठीक भगवती गंगा जी के तट पर सजी हुई चिता को वह पावन पार्थिव शरीर सौंप दिया गया। चिता के लपटों को क्या देर लगी उसे आत्मसात करने में। यह सारा दृश्य बाबा अपने शोकाकुल नैनों से देख रहे थे और मन ही मन जय जयकार कर रहे थे उस महान आध्यात्मिक विभूति की। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।